तो इनका सीआरसी ग्रुप के हम मेंबर्स हैं, क्रॉस रोड क्लब है, बाइकिंग पे हम लोग पूरा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंजाबी पॉइंट व्लॉग्स। फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम सियालकोट चविंडा आए हुए थे, तो आज जा रहे हैं हम करतारपुर। तो अभी जो है ना गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जो पीछे सिक्योरिटी सिस्टम है ना बहुत सख्त है। अभी यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है, तो आगे फिर क्या किस चीज़ पे जाना होता है, गाड़ी पे आगे से हम टिकट लेंगे, तो आगे से टिकट लेंगे और टिकट लेके जो है ना फिर दूसरी मोटर पे जाएंगे। और तकरीबन दो तीन किलोमीटर है ना, दो तीन किलोमीटर सफ़र है हमारा आगे, तो फिर चलते हैं आगे बस पे। तो ये आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। आप लोगों को पूरा मतलब जो गुरुद्वारा है वो भी दिखाएंगे और जो जो माहौल है वो भी आपको खुद भी इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी साथ में इंजॉय करेंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहते अभी तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर चलते हैं आगे। इधर जो है ना गाड़ियाँ सारी पार्किंग पे लगी हुई हैं, ये देखें सारी पीछे गाड़ियाँ, और यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाने देते जो है ना, फिर आगे मोटरें चलती हैं। अब हम मोटर पर सफ़र करेंगे, आगे टिकट लेंगे, टिकट के बाद जो है ना मोटर पर सफ़र करेंगे। यहाँ पर इंट्री हो रही है, अच्छा लोड नहीं है। यहाँ पर जो है ना ये स्टॉप है, मोटरें वगैरह यहाँ पे मिलती हैं रेंट वाली, तो यहाँ से जो है ना हम बैठेंगे उस पर गाड़ी पे और फिर आगे गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से मेरे ख्याल में कुछ टिकटें वगैरह मिलती है ना, यहाँ से टिकटें मिलती हैं और फिर जो है ना टिकट लेके ही जाना पड़ता है। से टिकट ले रहे हैं और टिकट हो गई साहब, भाई टिकट हो गई। तो यहाँ पे आईडी कार्ड दिया है, हर बंदे का आईडी कार्ड दिया है हमने अपना अपना, और आईडी कार्ड पे जो है टिकटें मिली है। आईडी कार्ड जेब में रखे फिर आगे मांगे ना। यहाँ पे हम गाड़ी से उतरे हैं, ये वाली गाड़ी हमारी जिससे हम आए, और अब जो है ना अंदर इंट्री हो रही है। तो यहाँ पे जब इंटर हुए हम तो यहाँ पे टिकट वगैरह और आईडी कार्ड वगैरह दिया है, तो ये कार्ड मिले हैं सबको, सबने अपने अपने गले में डाले हुए हैं। तो मिलते हैं नहीं, मिलते हैं ना, बताना पड़ता है कैसे लिए, लाइन लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना लाइने लग लग के सब कुछ हुआ है। अब पीछे हम गुरुद्वारे के अंदर इंटर हो गए हैं, ये पीछे देखें गुरुद्वारा है, तो अब जो है ना अंदर चलते हैं फिर वो देखते हैं कैसा है माहौल। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखें,
अंदर हमारी एंट्री हो गई है, ये सब लोग खड़े हैं, चलें जी अंदर। काजल साहब किधर गए हैं? यहाँ अंदर जो है ना वीडियो बनाने के लिए सख्त मना किया गया है, लेकिन लोग बना रहे हैं तो देखभाल के कहीं पे अगर फौजी ने किसी ने देख ली तो फिर मसला बन जाएगा, लेकिन बना रहे हैं छुपके छुपके से। तो अब भी हमारी एंट्री हो रही है अंदर, यहाँ पे सब लोग जो है ना सेल्फियों पे लगे हुए हैं। तो हमें जो है ना गुरुद्वारे में अपनी फील्ड के दोस्त मिल गए हैं, फ्रेंड्स बन गए हम। तो ये है वो लाहौर से हैं वो ना? जी लाहौर से हैं। तो सीआरसी ग्रुप के हम मेंबर हैं। अच्छा, बाइकिंग पे हम लोग पूरा पाकिस्तान घूमते हैं। अच्छा, बाइकिंग पे? जी, बाइकिंग पे। यही जोड़ा या और? नहीं, वो हमारे से तकरीबन जैसे जो जिसको टाइम मिल जाए, कोई 20,000 से 20,000 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, और कुछ आजकल चोलिस्तान की रैली में गए हुए हैं। तो कभी हमारे इलाके में भी चक्कर लगाओ ना, फिर हम भी इलाके घूमें अपना, हमारे इलाके में भी काफ़ी जगह है। तो 4 मिनट तो हमारे रास्ते में ही, मतलब हमारे घर में हमारे हमायूं साहब हैं, हमारा पूरा एक नेटवर्क है जिसके तहत हम कनेक्टेड होते हैं। जब भी हम मूव करते हैं सही तो वो हमें अकोमोडेट कर देते हैं। तो आज इधर आके कैसा फील किया आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अच्छा फील किया। बस लास्ट ईयर में आया था तो इन्होंने पहली दफ़ा आना था, फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे अकोमोडेट करें, लेके जाए। अच्छा, आपका नाम क्या है? शहबाज अहमद। और आप? गुल राणा। गुल राणा। गुल राणा। तो अभी जो है ना हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ है, चलो हमारी फील्ड के दोस्त मिल गए हमें, तो ये भी इधर एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये तलवार बनी हुई है, तो यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आ गया स्टाफ हमारा। तो अब वापस गाड़ी में बैठ के वापस जा रहे हैं।